जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, चुनाव प्रचार प्रसार व मंथन की गतिविधियां भी रफ्तार पकड़ने लगी हैं। सोनीपत से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी व राई से भाजपा विधायक मोहनलाल बडोली ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन और चुनाव प्रचार को लेकर चर्चा की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मोहनलाल बडोली ने कहा कि हम इस बार पिछली बार से भी ज्यादा वोट के अंतर से चुनाव जीतेंगे। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश मजबूत हुआ है और विपक्ष के पास चुनाव लड़ने के लिए नेता ही नहीं बचे हैं। कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ साथ कांग्रेस के कई बड़े चेहरे चुनाव से दूरी बना रहे हैं, क्योंकि विपक्ष के पास जनता के बीच जाने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। मोहनलाल बडोली ने केंद्र और हरियाणा के बीजेपी नेताओं द्वारा उन्हें लोकसभा प्रत्याशी बनाने पर धन्यवाद दिया। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने, राजनाथ सिंह जी ने, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष नायब सिंह सैनी जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, प्रदेश के और राष्ट्र के सभी शीर्ष नेतृत्व ने जो आशीर्वाद एक छोटे से कार्यकर्ता को लोकसभा में 2024 में उम्मीदवार बनाकर भेजा है, मैं पूरे नेतृत्व का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। और जिस उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने 2019 में भी राई विधानसभा से विधायक के तौर पर मेरे को आशीर्वाद देकर भेजा था, इसी राई विधानसभा की जनता ने विधायक के तौर पर चुना और अब मैं जनता के बीच में जाऊंगा और सोनीपत लोकसभा से कमल का फूल खिले और बड़े मार्जन के साथ खिले। आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने अपने लोकसभा के चुनाव कार्यालय पर कम से कम 5 लाख की वोटों से भारतीय जनता पार्टी की जीत हो, इस प्रकार का संकल्प सबने किया है, उस संकल्प को मैं पूरा करने का प्रयास करूँ। पार्टी ने विधायक से एमपी का टिकट दिया है मोहन जी, पार्टी ने भी भरोसा जताया है, तो अब आगे हम किस तरह की जो बातचीत है वो लोगों के बीच किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष नायब सिंह सैनी जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, हमारे प्रदेश के और राष्ट्रीय पूरे नेतृत्व ने, जो एक छोटे से कार्यकर्ता जो राय से विधायक के तौर पर आशीर्वाद 2019 में पार्टी ने दिया, जनता ने बहुत अच्छे वोटों से मेरे को राय से विधायक बनाया और अब 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो लोकसभा के प्रत्याशी के तौर पर सोनीपत लोकसभा से मेरे को आशीर्वाद देने का काम किया है, मैं उन तमाम सभी बातों को लेकर जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 9.5 वर्षों में जन कल्याण के कार्य और देश के विकास के कार्य करने का काम किया है, उन सब को गिनवाने का, याद कराने का, बताने का काम करूंगा और जनता जनार्दन के बीच में जाके आशीर्वाद लेने का काम करूंगा। और भारतीय जनता पार्टी जो 2024 का चुनाव है, अब की बार 400 पार जो जनता का नारा है उसको पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के बीच में जाऊंगा, आशीर्वाद लेने का काम करूँ। सर, आप प्रदेश महामंत्री भी हो, इसमें 10 लोकसभा की सीटें हैं और 10 की 10 लोकसभा की सीट कमल का फूल खिले, इस काम में भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे तमाम कार्यकर्ता हैं वो सब लगेंगे और हरियाणा प्रदेश की जनता, मुझे विश्वास है कि तीसरी बार मोदी सरकार, तीसरी बार 400 पार, ये जो जनता का नारा है, हरियाणा प्रदेश में भी 10 की 10 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल खिलाने का काम करेगी। विधायक जी, विधायक रहे, एक विधानसभा थी, अब काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा, 9 विधानसभा हैं, 9 विधानसभा में पहुंचना है जनता के बीच, जनता के मुद्दों को लेकर रहे, किन मुद्दों को लेकर वोट रहेगी खासतौर पर बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी ने जो एक स्वच्छ प्रशासन देने का काम किया, भयमुक्त प्रशासन देने का काम किया, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने का काम किया है, इन तमाम चीज़ों को लेके सबका साथ सबका
विकास सबका प्रयास और सबका विश्वास जीतते हुए जो समान विकास के कार्य हुए हैं, सबको सम्मान देने का जो काम किया है और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उसी बात को लेकर हम जनता के बीच में जाने वाले हैं। कांग्रेस का कहना यह है कि बीजेपी पार्टी ने जानबूझकर अरविंद केजरीवाल को अंदर डाला और सोनीपत के बीजेपी कार्यालय का घेराव करेगी। ये जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी जो झूठा प्रचार करके गरीबों को गुमराह करके जो लंबे समय से देश में राजनीति करते रहे हैं, आज कानून जब भी अपना काम करता है वो इसी प्रकार का आरोप लगाते हैं। जब कांग्रेस पार्टी भी सत्ता में थी तब भी कानून यही था, यही अधिकारी थे, यही डिपार्टमेंट थे और उन्होंने अपना राज रहते हुए जो भ्रष्टाचार किया है, अपने राज का जो दुरुपयोग किया है, सरकारी पैसे का गमन किया है, जनता के पैसे को हड़पने का काम किया है, उन सब चीज़ों को लेके जो कानून अपना काम करता है, कानून ने अपना काम किया है, वो एक इस प्रकार का राजनीतिक वातावरण, राजनीतिक आरोप जो कांग्रेस के पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी के नेता लगाते हैं बेबुनियाद हैं, तथ्यों से परे हैं और जनता सब जानती है, जनता समझती है और ये आने वाला जो चुनाव है इसमें सारी तस्वीर क्लियर हो जाएगी। जनता ने उनको नकारा है, जनता ने उनको जो विपक्ष की भूमिका से भी बाहर करने का काम किया है, ये जनता ने किया है और मुझे लगता है कि अब की बार इस चुनाव में भी पूरे देश की जनता इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काम को समर्थन करते हुए कमल का फूल खिलाने का काम करें। क्योंकि लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं तो बीजेपी पार्टी द्वारा घोषित कर दिया गया, कांग्रेस पार्टी का कोई चुनाव लड़ने वाले उनको नेता नहीं मिल रहे हैं, उनके नेता बड़े बड़े नेता चुनाव से भाग रहे हैं और ये जो कांग्रेस पार्टी ने जनता के पाप करने का काम किया वो पाप आज उन नेताओं के सिर पर चढ़कर बोल रहा है, इसीलिए वो चुनाव से डरते हैं और वो चुनाव से भाग रहे हैं, इसीलिए आज तक वो अपने उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं कर पाए। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।